स्टूडेंट, आज हम फंक्शन स्पेस और सीक्वेंस स्पेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इनको डिफाइन करेंगे, इन स्पेसेस को, देन हम इनको प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स स्पेस है। तो सबसे पहले हम इन स्पेसेस को डिफाइन करते हैं कि फंक्शन स्पेस और सीक्वेंस स्पेस क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। फंक्शन स्पेस, फंक्शन स्पेस सी ओ ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल। सबसे पहले हम इस स्पेस को डिफाइन करते हैं, ये स्पेस क्या है हमारे पास है? सी क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ आर रियल वैल्यू कंटिन्यूअस फंक्शन फंक्शंस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, राइट, फॉर एनी फंक्शन एफ कॉमा जी बिलोंग टू सी क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, राइट। कि हमने इस स्पेस में से दो फंक्शन को ऐसे ले लिए, देन हमारे पास अंडर मैट्रिक्स डी ऑफ एफ कॉमा जी इज इक्वल टू सुप्रीमम एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज अ मैट्रिक ऑन इंटरवल ए कॉमा बी, राइट। दिस मीट हमने प्रूव करना है, ये जो D है ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक है ऑन जो हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू कंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट। D क्या है हमारे पास, एक मैट्रिक है ऑन दिस सेट, जो हमने सेट लिया है इस सेट के ऊपर क्या हो गई, ये मैट्रिक है। अब हम इसको प्रूव करेंगे, टू प्रूव दैट D of F comma G is equal to supremum epsilon value F of X minus G of X is a metric on C into A close interval A comma B, right? अब हम इसको प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास D जो है वो क्या, इस सेट जो हमने लिया जो हमारे सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, इस पर क्या है हमारे पास, ये एक मैट्रिक है, इसको हम प्रूव करेंगे। तो प्रूव के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, प्रूफ, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस की क्या है, हमारे M1 हमारे पास क्या है, डी ऑफ एफ कॉमा जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल F comma G belong to C of A B close interval A comma B, right? कि हमने सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टी है वो क्या है, कि वो जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नॉन एक्टिविटी प्रॉपर्टी वाली पहली प्रॉपर्टी। उसके बाद इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या, x belong करेगा क्लोज इंटरवल a comma b, जो हमने डिफाइन की d जो है फंक्शन वो किसके इक्वल, सुप्रीमम x belong to close interval a comma b f of x minus g of x epsilon value greater than equal to zero, right? ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, M2, कि d of f comma g is equal to zero, ये हमारे पास जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ, कब, जब हमारे पास ये किसके इक्वल है, सुप्रीमम
एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, वेयर एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, राइट। अब यहां से हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ ये हमारे पास आएगा, हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, इफ एंड ओनली इफ एफ इज इक्वल टू जी, राइट। दो फंक्शन के दरमियान डिस्टेंस जीरो होगा जब फंक्शन सेम होंगे, अगर फंक्शन सेम होंगे तो उनका डिस्टेंस जो होगा वो जीरो होगा स्टूडेंट। तो ये तो हमारे पास इसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी, अब इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं वो क्या है। एम थ्री, इसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट, कि डी ऑफ एफ कॉमा जी इज इक्वल टू सुप्रीमम एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी मॉड वैल्यू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। हमारे पास स्टूडेंट क्या है सुप्रीमम, यहां से अगर हम माइनस को कॉमन लें तो माइनस जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट, और इधर एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सुप्रीमम एक्स बिलोंग टू ए कोमा बी, यहाँ से हमारे पास जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है डी ऑफ जी कोमा एफ, सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी जो है वो भी इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है। तो इस ये हमारे पास क्या है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, सुप्रीमम मीन्स मैक्सिमम, हम जो हम फंक्शन ले रहे हैं इसमें से मॉड जो वैल्यू, इसमें से हमने मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, सुप्रीमम की जगह आप मैक्सिमम भी यूज कर सकते हैं। एम फोर, इसमें हमारे पास डी ऑफ एफ कॉमा जी इज इक्वल टू सुप्रीमम इज इक्वल टू सुप्रीमम एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, राइट। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ऐड कर देते हैं सुप्रीमम एक्स बिलोंग टू ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल मॉड वैल्यू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ वन ऑफ एक्स प्लस एफ वन ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, राइट, यानी कि हमने इसमें एफ वन ऑफ एक्स को हमने क्या कर दिया, एड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, वेयर हमारे पास एफ वन ऑफ एक्स ये भी बिलोंग कर रहा है किससे, सी ऑफ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, यानी कि जो हमने ये सेट लिया है इससे बिलोंग करेगा ये फंक्शन भी। और इसमें अब बाय प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट जो मॉड की प्रॉपर्टी है उसको यूज करते हुए हम इसको लिख सकते हैं लेसर देन इक्वल टू सुप्रीमम एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी मॉड वैल्यू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ वन ऑफ एक्स प्लस सुप्रीमम एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, राइट, वेयर एफ वन बिलोंग टू जो हमने स्पेस लिए सी क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, यहाँ इससे बिलोंग कर एफ वन। तो ये हमने बाय प्रॉपर्टी यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड, मॉड की प्रॉपर्टी को हम यूज करते हुए हमने इसको तो यहां से हमारे पास लेसर देन इक्वल टू डी ऑफ एफ कॉमा एफ वन प्लस इधर हमारे पास क्या आएगा, इधर आएगा डी ऑफ एफ वन कॉमा कॉमा जी, राइट, और ये हमारे पास क्या है डी ऑफ एफ कॉमा जी, हमारे पास ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी जो है वो भी सेटिस्फाई हो रही है कि हमारे पास जब हम दो फंक्शन ले रहे हैं तो दो फंक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, यानी ये हमारे पास फंक्शन है, दो पॉइंट्स हम ले रहे हैं फंक्शन,
इनके दरमियान जो है डिस्टेंस हमेशा लेसर देन इक्वल, फॉर एग्जांपल ये हमारे फंक्शन एफ है और दूसरा हमारे फंक्शन जी है और थर्ड फंक्शन हमने ले लिया एफ वन, इसके दरमियान डिस्टेंस डी, इसके दरमियान डिस्टेंस डी और इसके दरमियान भी डिस्टेंस डी, राइट। कि इन दोनों के दरमियान जो फंक्शन के दरमियान डिस्टेंस हमेशा लेसर देन इक्वल टू होगा डिस्टेंस बिटवीन एफ फ्रॉम एफ से एफ वन फिर एफ वन से जी, इनके दरमियान डिस्टेंस हमेशा लेसर देन इक्वल होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि इसके अंदर जो मीट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। सो हम कहेंगे सो हमारे पास डी इज मीट्रिक मीट्रिक ऑन सी ऑफ सी इंटू ए कॉमा क्लोज इंटर ए कॉमा बी, राइट। ये हमारे पास क्या है, डी एक मीट्रिक है और ये दोनों एंड इसी को हम क्या कहेंगे, डी कॉमा सी इंटू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी इज अ मीट्रिक स्पेस, इज अ मीट्रिक स्पेस, राइट। ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी फर्स्ट एग्जांपल थी। अब हम इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट, सीक्वेंस सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी, यानी कि हमने एक्चुअली सिर्फ हम सीक्वेंस स्पेस इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि हमने इसको आगे मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करना है, इस वजह से हम स्पेस का नाम दे रहे हैं। ये हमारे पास जो एल इन्फिनिटी है ये किसकी, इसमें हमारे पास क्या होता है, क्या होती है इसमें द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस द सेट ऑफ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर और इसके साथ हम एक अब डी एक मीट्रिक डिफाइन करेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि ये जो डी होगा वो इस जो एल हमने इन्फिनिटी लिए इसके ऊपर क्या है, एक मीट्रिक है, राइट। इसे भी लें फॉर एक्स इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू एक्स एन और वाई बार इज इक्वल टू वाई एन, राइट। देन यहां पर डी ऑफ एक्स वाई बार इज इक्वल टू सुप्रीमम इज इक्वल टू सुप्रीमम स्मॉल एन बिलोंग टू कैपिटल एन मॉड वैल्यू एक्स एन माइनस वाई एन इज मीट्रिक मीट्रिक ऑन एल इन्फिनिटी, राइट। कि हमने बेसिकली ये जो हमारे पास एल इन्फिनिटी है इसके अंदर क्या होता है, कलेक्शन होती है सीक्वेंस की, यानी कि ये सेट ऑफ ऑल बाउंड्री सीक्वेंस होते हैं रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने ये एक मीट्रिक डिफाइन की है डी, प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इस जो हमने सेट लिया है नॉन एम्प्टी सेट बाउंड्री सीक्वेंस का जो हम सेट लिया है इसके ऊपर क्या है, एक मीट्रिक है, इसको हम प्रूव करेंगे। ये जो हमने डी लिया इसको हम प्रूव करेंगे ये इसके ऊपर क्या है, मीट्रिक है। टू प्रूव दैट टू प्रूव दैट डी ऑफ एक्स बार वाई बार इज इक्वल टू सुप्रीमम मॉड वैल्यू एक्स एन माइनस वाई एन वेयर एन बिलोंग टू कैपिटल एन इज अ मीट्रिक मीट्रिक ऑन एल इन्फिनिटी, राइट। ये हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, जो हमने सेट लिया है सीक्वेंस की जो कलेक्शन है इसको हम प्रूव करना चाहते हैं ये डी इसके ऊपर क्या है, मीट्रिक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज के अंदर हम सेटिस्फाई कराएंगे। इसमें हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी जो एम वन वो क्या है, एम वन डी ऑफ एक्स कॉमा वाई बार बार ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बार वाई बार बिलोंग टू एल इन्फिनिटी, राइट। ये किससे बिलोंग करेंगे, एल इन्फिनिटी से बिलोंग करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास
इसमें हमारे पास ये क्या है, किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू दिस सुप्रीमम एक्स एन माइनस वाई एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वे स्मॉल एन बिलोंग टू कैपिटल एन। इट मीन्स दैट जो हमने लिए हैं दो सीक्वेंस लिए हैं इनके दरमियान डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, एम टू कि डी ऑफ एक्स बार वाई बार इज इक्वल टू जीरो, के दो सीक्वेंस जो हमने लिए थे उसके दरमियान डिस्टेंस जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ हमारे पास क्या है, सुप्रीमम एक्स एन माइनस वाई एन इज इक्वल टू जीरो वेयर एन बिलोंग टू कैपिटल एन। इफ एंड ओनली इफ मॉड वैल्यू एक्स एन माइनस वाई एन इज इक्वल टू जीरो, यहां पर हमारे पास क्या आएगा, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ एक्स एन माइनस वाई एन इज इक्वल टू जीरो, इफ एंड ओनली इफ एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन, इफ एंड ओनली इफ एक्स बार इज इक्वल टू वाई बार, राइट। वेयर एक्स बार जो है इक्वल टू एक्स एन है और वाई बार इज इक्वल टू वाई एन, दो सीक्वेंस के दरमियान जो हमने लिए हैं ये, इनके दरमियान डिस्टेंस जीरो होगा, कब, जब वो दोनों सीक्वेंस सेम होंगे, राइट। जब सीक्वेंस सेम होंगे तो उनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। अब इसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, वो क्या है, थ्री कि डी ऑफ एक्स बार वाई बार इज इक्वल टू सुप्रीमम स्मॉल एन बिलोंग टू कैपिटल एन एक्स एन माइनस वाई एन, राइट। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास सुप्रीमम एन बिलोंग टू कैपिटल एन, यहाँ से हम मॉड वैल्यू माइनस इंटू वाई एन माइनस एक्स एन, यहाँ से हमारे पास सुप्रीमम स्मॉल एन बिलोंग टू कैपिटल एन वाई एन माइनस एक्स एन, राइट। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है डी ऑफ y बार कॉमा एक्स बार, राइट। यानी कि इसके अंदर सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी जो है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हमारे पास क्या थी, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी मीट्रिक स्पेस की। अब इसके बाद हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, वो क्या है, एम फोर कि डी ऑफ एक्स बार y बार सुप्रीमम स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल n एक्स एन माइनस वाई एन मॉड वैल्यू, यहाँ से नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सुप्रीमम स्मॉल एन बिलोंग टू कैपिटल एन एक्स एन माइनस जेड एन प्लस जेड एन माइनस वाई एन, राइट। वेयर वेयर जेड बार इज इक्वल टू जेड एन, राइट, जो कि बिलोंग कर रहा है बिलोंग टू एल इन्फिनिटी, राइट। यानी कि इसमें हमने z जो है कि हम थर्ड सीक्वेंस ले लिया जेड एन, अब इसके अंदर इसमें हमने इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। और ये किससे बिलोंग कर रहा है, एल इन्फिनिटी से। अब इसको हम बाय प्रॉपर्टी ऑफ मोड, मोड की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लेसर देन इक्वल टू सुप्रीमम स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल n एक्स एन माइनस जेड एन प्लस सुप्रीमम स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल n जेड एन माइनस वाई एन आएगा लेसर देन इक्वल टू, ये वाली हमारे पास आ जाएगी डी ऑफ एक्स बार जेड बार प्लस डी ऑफ जेड बार वाई बार, यहाँ पर हमारे पास डी ऑफ एक्स बार वाई बार, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी है वो भी क्या सेटिस्फाई हो रही है। सो हम कहेंगे सो डी इज मीट्रिक, ठीक है, हमारे पास मीट्रिक है ऑन जो हमने सेट लिया था नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, एल इन्फिनिटी जो कि हमारे पास कलेक्शन है सीक्वेंस, बाउंड्री सीक्वेंस की जो कलेक्शन है
उसके ऊपर क्या है, डी क्या है, उसके ऊपर क्या है, मिट्टी क्या है। तो ये दोनों जो है डी और ये एल इन्फिनिटी जो नॉन एम्प्टी सेट है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक स्पेस बना रहे हैं। सो हम इसको किसका नाम देंगे, ठीक है, यानी कि डी और एल इन्फिनिटी ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, क्या बना रहे हैं, एक स्पेस बना रहे हैं। सो हम कहेंगे ये हमारे पास एल इन्फिनिटी एंड डी जो है इज अ मीट्रिक स्पेस, राइट। ये दोनों जो है हमारे पास एल इन्फिनिटी और डी, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक स्पेस बना रहे हैं जिसे हम मीट्रिक स्पेस का नाम दे रहे हैं। तो ये स्टूडेंट हमने जो हमारे पास एग्जाम्पल थी जिसमें हमने बात की कि सिक्वेंस स्पेस, स्पेस इसके साथ इस वजह से हमने यूज़ किया क्योंकि हमने इसको प्रूव करना था कि ये हमारे पास क्या एक मीट्रिक स्पेस है, राइट। जस्ट हम एल इन्फिनिटी की बात करते हैं तो एल इन्फिनिटी के अंदर जस्ट हम बाउंड्री सीक्वेंस लेते हैं, क्या लेते हैं, हम बाउंड्री सीक्वेंस लेते हैं। इसी तरह हमने जो पहले बात की फंक्शन की बात की थी, फंक्शन स्पेस, उसके अंदर भी जस्ट हम फंक्शन लेते हैं, यानी कि सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन लेते हैं उसके अंदर भी, राइट। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने मीट्रिक स्पेस की एग्जाम्पल को डिस्कस किया और सबसे पहले हमने इनको डिफाइन किया कि हमारे पास सी ओ इंटू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी क्या है कि इसके अंदर यानी हम ऑल कंटिन्यूस फंक्शन लेते हैं। उसके बाद हमने एल इन्फिनिटी स्पेस, इसमें हमने देखा कि इसके अंदर हम कौन सी सेट ले रहे होते हैं, एक्चुअली इसके अंदर हम बाउंड्री सीक्वेंस लेकर चल रहे होते हैं, और इन इन दोनों जो हमने लिए हैं सेट लिए हैं हमने, उन्हीं दोनों सेट्स को हमने क्या प्रूव किया है कि वो हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स स्पेस है। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम मैट्रिक्स स्पेस से ही रिलेटेड किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.